हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अल्पाइन कुष्ठ के बारे में। ये एक सबसे बढ़िया ऐप है और ये अल्पाइन कुष्ठ जो है ये नेविगेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें हम ट्रैक रूट, चलिए मैं आपको ओपन करके बता देता हूँ। इसमें हम रूट ट्रैक कर सकते हैं, वे पॉइंट कर सकते हैं और किस पहाड़ी को किस तरीके से चढ़ा जाए, हमको रास्ते वगैरह, हमें सारी जानकारी हम इसमें देख सकते हैं। मैं इसकी आपको आज सेटिंग बताऊँगा। इसको डाउनलोड करने का तरीका, आप गूगल प्ले स्टोर में जाएंगे, ये देखिए मैंने सर्च करके रखा था अल्पाइन कुष्ठ। ये देखिए यहाँ पर अल्पाइन कुष्ठ लाइट एक्सप्लोरर जो है, इसका क्या है, ये फ्री में है। और जो आप जाएंगे ऑफ रोड एक्सप्लोरर, ये जो है जो मैंने इंस्टॉल करके रखा हुआ है, ये आपको 699 में पैड करना पड़ता है। आप चाहें तो 5-6 दोस्त मिलकर भी इसको, एक कोई भी फ्रेंड्स आपका डाउनलोड कर सकता है और एक दूसरे को आप शेयर कर सकते हैं, जिससे कि आपको कम खर्चा आएगा। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा इसको फ्री में भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो के अंत में बताऊंगा। चलिए हम इसको शुरू करते हैं इसकी सेटिंग पर। मैं यहाँ से मैं ओपन करता हूँ। सबसे पहले आपको सेटिंग्स में जाना है, सबसे फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पर आपको सेटिंग में जाना है। सबसे ये देखिए नीचे दिख रहा है सेटिंग्स, सेटिंग्स में जाना है। लोकेशन फॉर्मेट, हम इंडिया के हैं तो हमको इंडिया पर जाना है। इंडिया पे आप जो क्लिक करेंगे इस तरीके से तो आपको इंडिया जोन पे, मैंने ऑलरेडी सेटिंग कर रखी है, मैं आपको समझा रहा हूँ, इंडिया जोन 1 पर आप क्लिक करेंगे। सेकेंडरी लोकेशन फॉर्मेट में आप जाएंगे तो लेट लॉन्ग डिग्री मिनट सेकेंड को आप इसको क्लिक करें। डिस्टेंस यूनिट मैट्रिक में, अधिकतर हम मीटर में ही देखते हैं किसी भी एरिया को कि हमसे दूरी कितनी है, टारगेट हमसे कितना दूर है, तो हम मीटर में कर सकते हैं। आप अदरवाइज़ किसी में भी कर सकते हैं ऑप्शन में। डिस्टेंस यूनिट है जो मीटर कर दिया हमने, एरिया यूनिट इसको भी आप मीटर में कर दें। बेयरिंग यूनिट है उसको आप डिग्री में कर दें, 360 डिग्री में कर सकते हैं, आप चाहें तो आपके हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन अधिकतर उपयोग 360 डिग्री में किया जाता है इसका। बेयरिंग यूनिट को आप MMHG मिलीमीटर ऑफ मरकरी में आप कर सकते हैं, इसको आप बढ़िया रहता है। ए रेफरेंस नॉर्थ, ट्रू नॉर्थ कर दीजिए। स्टोरेज लोकेशन, इसको आप किसी दोनों में से किसी में भी कर सकते हैं। हाइट स्टेटस बार, इसको क्लिक कर दीजिए। हाइट नेविगेशन बार क्लिक कर दीजिए। इन सभी का मैं उपयोग बताऊंगा, सारे ऑप्शन का, किस ऑप्शन का किस लिए उपयोग होता है, थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी। सबसे पहले मैं आपको सेटिंग कराता हूं, उसके बाद में बताऊंगा। अब यहां पर आते हैं हम डिस्प्ले ओवर लॉक स्क्रीन, इसको भी क्लिक कर दीजिए। स्क्रीन ऑलवेज ऑन को, इसको भी आप क्लिक कर दीजिए। कन्फर्म एग्जिट को भी क्लिक कर दीजिए। मैप डिस्प्ले रेजुलेशन, इसको आप हाई पर कर दीजिए, बाई डिफ़ॉल्ट है यहाँ पर, हाई पर कर दीजिए। इन्फॉर्मेशन बॉक्सेस स्टाइल, इसको आप मीडियम कर दीजिए, आपके हिसाब से स्मॉल लार्ज भी कर सकते हैं। ग्रिड डेंसिटी, इसको मीडियम कर दीजिए। लॉन्ग प्रेस मैप एक्शन, इसको आप डिस्प्ले मैप ओनली यहाँ पर कर दीजिए, क्लिक कर दीजिए इसको। यहाँ पर अब हम जाते हैं जूम कंट्रोल, इसको आप बॉटम पर क्लिक कीजिए, फिर यहाँ पर आएंगे वॉल्यूम बॉटम जूम इन और जूम आउट ऑफ आउट द मैप, इस पर क्लिक कीजिए। ऑटो एडजस्ट जूम, इस पर क्लिक कर दीजिए और नीचे वाला अनक्लिक रहने दीजिए। यहाँ से पिच टू जूम को क्लिक कीजिए। मैनुअल मैप रोटेशन, इसको भी क्लिक कीजिए। उसके बाद परस्पेक्टिव मैप व्यू को भी क्लिक कीजिए। ऑटोमेटिक एक्सप्लोरर मोड को भी क्लिक कर दीजिए। डिस्प्ले साइज को, इसको भी आप लार्ज कर सकते हैं, मीडियम कर सकते हैं, जिस टारगेट को आप वे पॉइंट करेंगे, सेव करेंगे, वो टारगेट किस साइज में दिखना चाहिए, मीडियम दिखना चाहिए, लार्ज दिखना चाहिए, आप मीडियम कर सकते हैं इसको और लार्ज भी कर सकते हैं, आपके हिसाब से कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट कलर, आप जिस टारगेट को सेव करते हैं, जिस एरिया को आप सेव करते हैं, वो वाई डिफ़ॉल्ट किस कलर में आना चाहिए, उसके लिए आप इसको कलर चूज कर सकते हैं। टारगेट कलर, आपका टारगेट किस कलर का दिखना चाहिए, उसके भी लिए आप
इसको सेव कर सकते हैं। कोई भी कलर आपके हिसाब से आप इसको आपके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। डिस्प्ले बॉर्डर, इसको क्लिक कर दीजिए। डिस्प्ले शैडो अनक्लिक कर दीजिए। डिस्प्ले टाइम बाउंड को क्लिक कीजिएगा। करंट कोर्स डिस्प्ले, इसको आप एरो में कर दीजिए। जो कि हम चलते हैं नेविगेशन जब हम करते हैं तो हमको किस एरो में देखना चाहिए, लाइन में देखना चाहिए, एरो सबसे बढ़िया रहता है, आप एरो में क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद ऑटोमेटिक जीएनएस रीलॉक, इसको अनक्लिक कीजिए। डिस्प्ले प्रीव्यू लोकेशन, इसको क्लिक कीजिए। डिस्प्ले डिस्टेंस लाइन, इसको आप क्लिक भी कर सकते हैं, अनक्लिक भी कर सकते हैं। हमारे एरिया से हमारा डिस्टेंस जो हमको दिखता है उसमें एक हवाई डिस्टेंस का लाइन दिखता है, उसको आप चाहें तो, जैसे आपको मैं दिखा देता हूँ, डिस्प्ले डिस्टेंस लाइन, इसको अगर मैंने क्लिक कर दिया है तो ये देखिए मुझे लाइन दिख रही है इसके साथ, और इसको मैं अनक्लिक करता हूँ डिस्प्ले डिस्टेंस लाइन, अगर मैंने इसको अनक्लिक कर दिया है तो ये देखिए कुछ इस तरीके से, अब ये देखिए लाइन नहीं दिख रही है मुझको, एरिया तो दिख रहा है लेकिन क्या है, डिस्टेंस, हवाई डिस्टेंस दिख रहा है लेकिन मुझे लाइन नहीं दिख रही है। तो आपके हिसाब से आप उसको कर सकते हैं। ये डिस्प्ले डिस्टेंस लाइन, इसको मैंने अलग कर दिया। डिसेबल एंड बैकग्राउंड, इसको आप अनक्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि आप जब भी आपकी स्क्रीन बंद कर देते हैं तो उसके बाद आप जब स्क्रीन करते हैं दूसरा ऐप इस्तेमाल करने लगते हैं या आप लॉक कर देते हैं आपकी स्क्रीन को, तो उस टाइम क्या है ऑटोमेटिकली आपका जो लोकेशन है ऑन रहता है और उसमें टाइम नहीं लगता है, इसलिए इसको अनकलेक्ट कर दीजिए। फिर EGM 96 GNS एडजस्टमेंट को भी आप क्लिक कर दीजिएगा। बस यहाँ पर इसकी इतनी सेटिंग है और सेटिंग मैं अगली बार आपको बताता हूँ। अब हम जाएंगे सेकेंड ऑप्शन पर, अवेलेबल मैप पे। यहाँ पर बहुत सारे ऐप दिए हुए हैं, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये बिंग मैप, अधिकतर मैपों का इस्तेमाल किया जाता है। बिंग मैप पे आप जाएंगे, एरियर मैप और हाइब्रिड मैप, इनमें दोनों प्रकार के होते हैं। एरियर मैप में आप जाएंगे, ये देखिए यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पर कोई नाम शो नहीं हो रहा है, किसी गाँव का नाम शो नहीं हो रहा है। और फिर यहीं पर मैं जाऊँगा हाइब्रिड मैप में, तो यहाँ पर नाम शो हो रहा है मुझे, गाँव के शहर के नाम शो हो रहे हैं। अब इसी तरह आप चाहेंगे तो गूगल मैप पर भी जा सकते हैं, गूगल मैप में भी दिए हुए हैं सारे मैप, हाइब्रिड, सैटेलाइट, अन्य सारे मैप दिए हुए हैं। आपके अकॉर्डिंग आप सारे मैपों को एक एक बार, अगर मैं सारे मैप बताऊंगा तो आपको वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब यहाँ पर सेटिंग जाती है, सबसे नीचे ऑप्शन पर जाएंगे आप, ऑप्शन में आप कर दीजिए फर्स्ट वाले को अनक्लिक कीजिए, सेकंड वाले को भी अनक्लिक कीजिए, सो लोकल स्टोरेज कवरेज इसको भी अनक्लिक कीजिए, ऑटो डाउनलोड एलिवेशन डाटा इसको क्लिक कीजिएगा, मैप नेम क्लिक कीजिएगा, मैप स्केल वैल्यू, अगर आप चाहें तो मैप देखिए आपको स्क्रीन में सबसे ऊपर दिख रहा होगा, अगर जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ मैप स्केल वैल्यू, आपके अकॉर्डिंग आपको जो ज़रूरत है वो कर सकते हैं। मैप स्केल बार करूँगा तो ये देखिए मैप स्केल बार आ गया ऊपर, सबसे आप ऊपर देख रहे हैं, इसको देखिए मैं अनक्लिक करता हूँ तो हट रहा है, ये देखिए क्लिक कर रहा हूँ आ रहा है, अनक्लिक कर रहा हूँ हट रहा है। अभी सेम इसी का ये है, तो इसका आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं इसको। अब हम जाते हैं थर्ड ऑप्शन पर, एक्सप्लोरर प्लेस मार्क, इसका कोई नहीं, जो आपने डाटा सेव कर रखा है उसको आपने अनडिस्प्ले कर दिया है और फिर से आप डिस्प्ले करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सारा डाटा, आपका कितना भी साल पुराना का डाटा है उसको आप इसमें ले सकते हैं फिर से। अब डिस्प्ले प्लेस मार्क, आप यहाँ पर डिस्प्ले प्लेस मार्क में जाएंगे, जो भी आपने सेव कर रखे हैं, जो जो आपके प्लेस मार्क डिस्प्ले हो रहे हैं, जो जो आपको दिख रहे हैं उनकी आपको जानकारी देता है, आप डायरेक्ट यहाँ से जा सकते हैं। अब क्रिएट प्लेस मार्क, इसका हम किसी एरिया को सेव करते हैं उसका मैं इधर से नहीं आपको इनडायरेक्टली कहीं और से दिखाऊँगा, सबसे पहले आप सेटिंग देख लीजिए। इस यहाँ पर ऑप्शन पर आप जाएंगे, प्लेस मार्क लेवल इसको आप क्लिक कर दीजिए, यहाँ पर आपको टारगेट इन्फॉर्मेशन नीचे जो दिख रहा है उस पर आप सेटिंग पर जाएंगे, दो देखिए राइट तरफ सेटिंग का टैग दिया उस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डिस्टेंस फ्रॉम स्क्रीन सेंटर इसको आप क्लिक कीजिए, बेयरिंग आपके हिसाब से आप किसी टारगेट का बेयरिंग जानना चाहते हैं तो आप क्लिक कर सकते हैं, रिवर्सल बेयरिंग आप चाहें इसको भी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन अधिकतर मैं मेरे हिसाब से मुझे इनका ज़रूरत नहीं था इसलिए मैं नहीं किया। एलिवेशन
एलिवेशन आपको दिखाता है आप जिस जगह पर खड़े हैं और आप दूसरी जगह का टारगेट देख रहे हैं, हमसे कितनी ऊंचाई और कितनी नीचाई पर है एलिवेशन। इसको आप क्लिक कर दीजिएगा। स्लोप, आप स्लोप भी देख सकते हैं कि हमारे जिस एरिया से है और कहीं और अन्य जगह का देख रहे हैं तो उसका स्लोप वैलिडिटी, इन दोनों को अनक्लिक कर दीजिए। ये दोनों को ही क्लिक करके रखिए, बाकी सब अनक्लिक कर दीजिए और आपकी ज़रूरत के हिसाब से आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम जाएंगे फोर्थ ऑप्शन में, रियल टाइम पोजीशन, इसको आप ऑन कर दीजिए। ट्रैक रिकॉर्डर, अगर जब भी आप चलते हैं, ट्रैक रिकॉर्डर के बारे में अलग से वीडियो बताऊंगा। और उसके बाद में आप जाएंगे ऑप्शन पर, ऑप्शन में पोजीशन स्टेटस, रोटेट द मैप, इसको आप अनक्लिक कीजिए। पोजीशनिंग स्टेटस, इस भी आप सेटिंग पे जाएंगे, सेम वही है जो मैंने आपको बताया था। पोजीशनिंग स्टेटस, इस पर भी आपको डिस्टेंस पर क्लिक करना है और एलिवेशन पर क्लिक करना है, बाकी सब अनक्लिक कर दीजिएगा। अब यहाँ पर जाएंगे हम कंपास की सेटिंग पर, कंपास हम ऑन करेंगे, कंपास मैंने ऑन कर दिया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे रोटेट द मैप, इस पर क्लिक कीजिए। डिस्प्ले कंपास ऑन द मैप, क्लिक कीजिएगा। करंट हेडिंग, इस पर भी आप क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पर ये सारी सेटिंग्स इसकी हो चुकी है। अब आपको इस पर जाना है, एक सेटिंग्स और है आपकी, यहाँ पर आपके मोबाइल पर जाना है, सेटिंग्स पर जाना है। यहाँ पर आपको बैटरी परमिशन देखनी है, सर्च करना है बैटरी परमिशन। यहाँ पर आप बैटरी पर जाएंगे, हाई बिगंग और ओवर कंज्यूम, ये देखिए हाई बैकग्राउंड बैटरी यूजेस। यहाँ पर आपको अल्पलाइन क्यूस्ट ऑफ रोड को, इसको आपको हाई बैटरी की परमिशन आपको यहाँ पर देनी होगी। हाई बैटरी की आपको परमिशन इसलिए देनी होगी, आप स्क्रीन आपकी ऑफ कर लेते हैं या फिर आपका स्क्रीन ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है तो उस टाइम भी आपकी बैटरी का कंज्यूम करता है, थोड़ी बहुत बैटरी ज़्यादा जाती है, लेकिन क्या है कोई दिक्कत नहीं होती ट्रैक रिकॉर्ड वगैरह अन्य सारे ऑप्शन में। तो दोस्तों यहाँ पर इसकी अल्पाइन कुस्ट की सारी सेटिंग्स हो गई है। अब मैं इसकी सारी अगली वीडियो में बताऊँगा किस तरह से इसको उपयोग किया जाता है, इसके क्या क्या यूजेस होते हैं, इसको हम कितने किस किस मैप में देख सकते हैं, ये सारी जानकारी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। थैंक्स, आपको आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।